छत्तीसगढ़ में रविवार शाम से ही मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके तहत रविवार से ही गरज चमक के साथ बारिश की शुरुआत हो गई है और रात भर बारिश होने के बाद यह क्रम सोमवार भी जारी रहा। सोमवार को सुबह से ही कई जगह पर भारी बारिश और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। इधर राजधानी समेत मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार भी आगामी 24 घंटे में जताए गए हैं। मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने की पुष्टि करते हुए कई इलाकों में भारी और अति भारी वर्षा होने की चेतावनी भी जारी की है। रायपुर मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तरी अंदरूनी ओडिशा और उसके आसपास 0.9 किलोमीटर से 0.7 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरी द्रोणिका उत्तरी पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उत्तर तटीय ओडिशा के 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इस सिस्टम को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आज हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश अथवा भारी से अति भारी बारिश होने का अंदेशा भी जताया गया है। ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा उत्तरी अंदरूनी उड़ीसा और उसके आसपास 0.9 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है और दूसरा एक द्रोणिका उत्तरी पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक, हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर तटीय उड़ीसा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इन सिस्टम को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश अथवा भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में प्रदेश में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में हेवी रेनफॉल की संभावना जताई है। इसके साथ ही सरगुजा और बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मंगलवार के पूर्वानुमान में भी मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सभी संभागों में अच्छी बारिश होने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।